हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं लिगेंड के प्रकार जो कि बी है हमारा, जिसमें हम देखेंगे दाता परमाणु की उपस्थिति के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण। सबसे पहले बात करेंगे दाता परमाणु क्या होता है। आपका दाता परमाणु को ही क्या कहा जाता है, आपका लिगेंड कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया था, पिछले वीडियो में बताया था आपको, क्या बताया था कि आपका लिगेंड उसे कहा जाता है जो केंद्रीय धातु परमाणु को क्या करता है, अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा आपका प्रदान करता है, उसी को क्या कहा जाता है, लिगेंड कहा जाता है। तो दाता परमाणु क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई समूह है आपका NH3, यहाँ पर है आपका NH3, क्या है, एक लिगेंड है आपका। अगर NH3 लिगेंड में है तो क्या नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, इसमें से कौन सा आपका परमाणु है जो अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु को क्या करता है, दान करता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका नाइट्रोजन दान कर रहा है तो उसको दाता परमाणु कहा जाएगा। अगर मान लीजिए हमारा हाइड्रोजन दान करेगा उसको क्या कहा जाएगा, दाता परमाणु कहा जाएगा। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि जो लिगेंड होता है, लिगेंड में जो समूह उपस्थित होगा उस समूह में एक ऐसा परमाणु होगा जो क्या करेगा, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, उसको क्या कहा जाता है, दाता परमाणु कहा जाता है। अगर हम देखेंगे कि दाता परमाणु की उपस्थिति के आधार पर लिगेंड को कितने भागों में बांटा जाता है, तो आपको चार भागों में इसको बांटा जाता है। पहला कौन सा आपका, एक दंतुक लिगेंड है आपका, दूसरा दो दंतुक लिगेंड है, तीसरा बहुदंतुक लिगेंड है, और चौथा क्या है, उभयदंतुक लिगेंड है। हम सबसे पहले देखेंगे कि एक दंतुक लिगेंड क्या होता है। अगर हम बात करेंगे ऐसे लिगेंड, क्या कहेंगे हम लोग, ऐसे लिगेंड, कैसे लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिसके पास एक दाता परमाणु उपस्थित होता है एक दंतुक लिगेंड कहलाता है, एक दंतुक लिगेंड कहलाता है। हमने क्या बताया आपको कि ऐसे लिगेंड जिसके पास एक दाता परमाणु उपस्थित होता है उसे एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। एग्जाम्पल भी देखते हैं आपका, जैसे हमने कहा आपका NH3 मगर आप देखोगे कि आपका अगर इसकी संरचना बनाए तो नाइट्रोजन के साथ क्या लगे आपके, तीन हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं, हमने हाइड्रोजन एटम लगा दिया। लेकिन नाइट्रोजन के संयोजी कोष में यानी बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें से दो इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाते हैं आपका एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अगर किसी परमाणु के पास क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो क्या कहलाएगा आपका, दाता परमाणु की भांति कार्य करता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो नाइट्रोजन एटम है यह क्या कर रहा है आपका, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की तरह कार्य कर रहा है, और इसके पास सिर्फ नाइट्रोजन एक ऐसा परमाणु है जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, इसलिए उसको क्या कहा जाएगा, एक दंतुक लिगेंड कहा जाता है। जैसे और देखते हैं आपका, इसमें आपका Cl है, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ये भी होता है आपका, और आपका क्या NH3 आपने पहले समझ लिया, ये भी होता है, H2O होता है आपका। अगर हम H2O में समझे तो H2O क्या देखेंगे आपका, किस प्रकार से होता है आपका, अगर H2O को देखते हैं तो H2O की बात करेंगे तो HO और H, तो ऑक्सीजन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बॉन्डिंग बनाने में काम कर रहा है, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है आपका, दाता परमाणु को यानी कि एकांकी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का भांति काम करते हैं। तो जी आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास है, सिर्फ ऑक्सीजन के पास उपस्थित है, इसलिए ये कैसा आपका, दाता परमाणु की भांति काम करेगा। यह जो यौगिक है यानी जो हमारा H2O है, इसमें से सिर्फ क्या कर रहा है आपका, ऑक्सीजन दाता परमाणु की भांति काम कर रहा है, इसलिए सिर्फ इसको क्या कहा जाएगा, एक दंतुक लिगेंड कहा जाता है। आई होप आपको यह समझ में आया आ गया होगा। अगर हम देखते हैं क्या द्विदंतुक लिगेंड किसे कहा जाता है, द्विदंतुक लिगेंड उसे कहा जाएगा जिसके पास क्या होगा, दो दाता परमाणु उपस्थित होंगे। परिभाषा क्या लिख सकते हैं आपका, आप लिखेंगे परिभाषा ऐसे लिगेंड, यहां परिभाषा देखिए क्या होगा आपका, ऐसे लिगेंड जिसके पास दो दाता परमाणु उपस्थित होता है
द्विदंतुक लिगेंड कहलाते हैं, द्विदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। हमने क्या बताया आपका कि ऐसे लिगेंड जिसके पास दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा आपका, द्विदंतुक लिगेंड कहलाएगा। या ऐसा कह सकते हैं ऐसे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में एक साथ क्या करते हैं, दो उपसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है आपका, दाता परमाणु कहा जाता है। कैसा, द्विदंतुक दाता परमाणु या द्विदंतुक लिगेंड के नाम से उसको जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आपका एथिलीन डाइएमीन में इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्या आपका, एथिलीन डाइएमीन सूत्र क्या होता है आपका, NH2CH2CH2NH2, ये क्या आपका एथिलीन डाइएमीन है। अगर आप यहां देखेंगे यहां पे एक नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन आपका जे है, दोनों ही क्या करेंगे आपका दाता परमाणु की भांति काम करते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है आपका, द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में और देखते हैं समझते हैं, जैसे हमने कहा आपका कि जी NH2CH2CH2NH2, ये क्या था हमारा, द्विदंतुक लिगेंड है। जैसे हमने कंपाउंड फॉर्म में देखें कि कॉपर है आपका, कॉपर के साथ यह द्विदंतुक लिगेंड जुड़ा हुआ, तो कैसे जुड़ेगा आपका, NH2NH2CH2CH2, एक तो आपका यहां से ये नाइट्रोजन दान करेगा, दूसरा आपका यहां से दान करेगा। सेम अगर आप देखेंगे NH2NH2CH2CH2, ये क्या है, एथिलीन डाइएमीन है, इसके पास भी क्या है आपका नाइट्रोजन के पास दो दाता परमाणु पाए जाते हैं, तो यहां से ये दान करेगा, इधर से आपका ये दान करेगा, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा आपका, इसको आपका द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल है, जैसे हम कहते हैं आपका ऑक्सिलेटो आयन है आपका, ऑक्सिलेटो आयन का क्या होता है आपका, COO नेगेटिव, इसको ऐसे भी आपका रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे देखोगे आप, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है आपका, इस प्रकार से इसको आपने देखा होगा आपका, तो ये भी क्या आपका द्विदंतुक लिगेंड है आपका। अगर हम बात करेंगे बहुदंतुक लिगेंड कैसे कहा जाता है, बहुदंतुक लिगेंड उसे कहा जाता है कि ऐसे लिगेंड जिसके पास एक साथ तीन या तीन से अधिक क्या होते हैं आपके दाता परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बहुदंतुक लिगेंड कहा जाता है। जैसे हम क्या लिखें, इस परिभाषा क्या हो जाएगी आपकी, इसकी परिभाषा हो जाएगी ऐसे लिगेंड जिसके पास तीन से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं बहुदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। अच्छा, हम अगर बात करेंगे यहीं से बहुत सारे नाम और निकलते हैं, जैसे आपका त्रिदंतु किसे कहा जाता है, चतुर्दंतु किसे कहा जाता है, पंचदंतु किसे कहा जाता है, षष्ठदंतु किसे कहा जाता है। अगर हम कहेंगे त्रिदंतु किसे कहते हैं हम लोग, परिभाषा सेम रहेगी आपकी। अगर हम कहेंगे चतुष्दंतु कहीं से बन सकता है आपका, अगर हम कहेंगे पंच दंतु बोला जाता है आपका, और आपका षष्ठदंतु किसे कहते हैं, परिभाषा क्या होगी, परिभाषा आपका यहीं से हो जाएगा, ऐसे लिगेंड जिसके पास क्या होगा आपका तीन लिगेंड पाए जाए, ऐसे लिगेंड जिसके पास तीन दाता परमाणु उपस्थित होते हैं उसे क्या कहा जाता है, त्रिदंतु कहा जाता है। चतुर्दंतु से किसे कहा जाएगा, ऐसे लिगेंड जिसके पास चार दाता परमाणु उपस्थित हो तो उसे क्या कहा जाएगा, चतुर्दंतु कहा जाता है। और पंचदंतु किसे कहा जाता है, ऐसे लिगेंड जिसके पास पांच क्या होंगे आपके दाता परमाणु उपस्थित होते हैं उसे पंचदंतु कहा जाता है। उसी प्रकार से ऐसे लिगेंड जिसके पास छह क्या होंगे आपके दाता परमाणु उपस्थित होते हैं उनको क्या कहा जाता है, षष्ठदंतुक लिगेंड कहा जाता है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल इसका क्या होगा आपका, देखते हैं जैसे आपका NH2CH2CH2NH
CH2 CH2 NH2। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस नाइट्रोजन पास क्या होगा आपका एकांकी इलेक्ट्रॉनिक होता है, उसी प्रकार इस नाइट्रोजन पास क्या होगा आपका एकांकी इलेक्ट्रॉनिक होगा, उसी प्रकार आपका इस एकांकी इलेक्ट्रॉनिक इस नाइट्रोजन पास उपस्थित होता है। हम देख रहे हैं यहाँ पर आपके तीन नाइट्रोजन एटम पाया जा रहा है जिसके पास क्या है एकांकी इलेक्ट्रॉनिक उपस्थित है, अतः इसको क्या कहा जाएगा त्रिदंतुक लिगेंड कहा जाएगा। क्या कहा जाता है आपका त्रिदंतुक लिगेंड कहते हैं या इसको बहुदंतुक लिगेंड के नाम से जाना जाता है। इसका नाम क्या है डाई एथिलीन ट्राई एमीन है। क्या रहा आपका डाई एथिलीन ट्राई एमीन है। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ देखते हैं इस नाइट्रोजन पर आपके एकांकी इलेक्ट्रॉनिक पाया जाएगा आपका, इस नाइट्रोजन पे एकांकी इलेक्ट्रॉनिक पाया जाएगा आपका, इस नाइट्रोजन पे एकांकी इलेक्ट्रॉनिक पाया जाएगा आपका, उसी प्रकार इस नाइट्रोजन पे एकांकी इलेक्ट्रॉनिक पाया जाएगा। यानी यहाँ पे जो जो आपका यौगिक दिया है इस यौगिक में चार नाइट्रोजन ऐसे पाए जा रहे हैं जो एकांकी इलेक्ट्रॉनिक भांति कार्य कर रहे हैं। ये है आपका जे जे और आपका जे, यानी चार हमारे ऐसे परमाणु हैं जो क्या कर रहे हैं एकांकी इलेक्ट्रॉनिक भांति कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा आपका चतुष्क दंतुक लिगेंड कहा जाता है। और चतुष्क दंतुक लिगेंड क्या है आपका एक बहुदंतुक लिगेंड का एक उदाहरण है। इसका नाम क्या है ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन। इसका नाम क्या होगा ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन है। अगर हम क्या बात करते हैं उभयदंतुक लिगेंड कैसे कहा जाता है, तो उभयदंतुक लिगेंड उन्हें कहा जाता है जिनके पास क्या है एक या एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, लेकिन क्या होता है कोई एक ही पर दाता परमाणु एक बार में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, उसको क्या कहा जाता है उभयदंतुक लिगेंड कहते हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे आप, परिभाषा देखिएगा यहां पर किसकी परिभाषा लिखना है आपका ए उभयदंतुक का, यानी कि ऐसे लिगेंड जिसके पास दो से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होता है किंतु केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ एक बार में कोई एक दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन दान करता है और उपसंयोजक बंध बनाता है उभय दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। उभयदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। परिभाषा देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। यानी ऐसे लिगेंड जिसके पास क्या होगा दो या दो से अधिक क्या होंगे आपके दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, किंतु केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ में एक बार में कोई एक दाता परमाणु ही क्या करेगा इलेक्ट्रॉन दान करेगा और क्या क्या उपसंयोजक बंध का निर्माण कर सकता है, उसे क्या कहते हैं आपका उभयदंतुक लिगेंड के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, आपका सी एन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं एन सी लिखता है, इसमें क्या इसको क्या बोलते हैं साइन में। यानी हम कह सकते हैं जब भी किसी कार्बनिक में आपका नाइट्रोजन ना करके कार्बन आपका परमाणु दान करता है इसको क्या कहा जाता है साइनोसमूह करेगा आपका, यानी कि जब एन और सी जुड़ेगा तो वहां पर कार्बन क्या करता है एकांकी इलेक्ट्रॉनिक प्रदान करता है, उसका नाम क्या होता है साइनो। लेकिन जब हमारा क्या होता है आपका जब नाइट्रोजन परमाणु क्या करेगा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा तो उसको क्या कहा जाएगा आइसोसाइनो करेगा कहा जाएगा आपका। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों परमाणु एक साथ इलेक्ट्रॉन दान करेंगे, कोई एक ही परमाणु दान करेगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है आपका उभयदंतुक लिगेंड कहा जाता है। उसी प्रकार हम बात करेंगे एनो
टू पर आपका माइनस चार्ज है, इसमें देखेंगे आपका इसको नाइट्रो पढ़ा जाता है क्योंकि आपके नाइट्रोजन पास क्या आपका एकांकी इलेक्ट्रॉन ये है जो यानी यहाँ से क्या करेगा आपका नाइट्रोजन एकांकी इलेक्ट्रॉन दान करता है। जबकि अगर दूसरे समूह में अगर देखेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन पास क्या आपका एकांकी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, यहाँ पे नाइट्रोजन दान ऑक्सीजन दान करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन दान करता है, इसको क्या कहते हैं नाइट्राइटो कहते हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और क्या तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।